It's just going to cause a big leak. आइए आइए कम कम यहाँ बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। तो आपका हम इंटरव्यू शुरू करेंगे, ठीक है? तो पहले अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम नमिता है, मैं गांव की हूँ, सब डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आती हूँ। मैंने अपनी आरंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही की है। कक्षा 12वीं मैंने एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की है और कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में मैंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और कक्षा 12वीं में मैंने पूरे समस्त हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नोवा रैंक प्राप्त किया था, जिसके तहत हरियाणा सरकार की योजना के तहत मुझे स्कॉलरशिप मिली और मेरा दाखिला दीन बंधु सर छोटेराम यूनिवर्सिटी मूर्थल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ। यहीं से सर मैंने अपनी बीटेक और एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में पूरी की। अच्छा, कब आपने ग्रेजुएट किया केमिकल इंजीनियरिंग में? सर 2014 में मैंने बीटेक की। उसके बाद क्या किया अभी तक? सर जैसे आपने देखा कि मेरा बीटेक में एडमिशन कोई एंट्रेंस एग्जाम देने से नहीं हुआ था, बल्कि गवर्नमेंट की स्किल स्कॉलरशिप से हुआ था। तो जब मैंने बीटेक के बाद प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करने की सोची तो घर वालों ने सर इसका समर्थन नहीं किया। तो मैंने आसपास के जो स्कूल हैं वहीं पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने पढ़ाया तो मुझे लगा कि ये जो मेरी हॉबी डेवलप हो गई है टीचिंग, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन से भी पढ़ाई लिखी अपने शिक्षा के खर्च के लिए सर, तो मेरी हॉबी डेवलप हो गई थी। तो मुझे लगा कि क्योंकि कैरियर में इसको बदलना ठीक रहेगा, तो मैंने एमटेक किया और एंट्रेंस एग्जाम देकर एमटेक कंप्लीट किया। एमटेक के बाद पढ़ाना शुरू किया? यस सर। तो अभी भी पढ़ा रहे हैं? सर मैं पहले मैंने जैसे बताया प्राइवेट स्कूल से लेकर सर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी पर भी मैंने पढ़ाया सर। नहीं, करंटली आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, एचसीएस की, साथ में पढ़ा भी रहे हैं कहीं? क्या पढ़ा रहे हैं? सर अभी 2020 में मेरी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड वर्किंग है, तो उनके सपोर्ट से अभी मैं पूरी टाइम तैयारी कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है। तो ये बताइए, एचसीएस ऑफिसर बनने का आपने क्यों सोचा, क्या चाहती हैं करियर में, व्हाट इज योर गोल? सर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो योजनाओं का बेनिफिट है, मुझे लगता है मुझे राइट टाइम पे एक हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम मिली और जिससे मेरी जो लाइफ में इंस्पिरेशन से लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो तब मैंने रियलाइज किया कि अगर एक स्कीम भी अगर आपको सही समय पर मिल जाती है तो एक बच्चे का एक फ्यूचर बदल सकती है। मैं अपना करियर एमटेक करके तो बना सकती थी, लेकिन इतना इम्पैक्ट जो मेरी लाइफ में आया, मुझे लगता है मैं सरकार का इसमें सहयोग देना चाहती हूँ और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाकर ऐसा अपने जैसे बच्चों का फ्यूचर चेंज करने में मैं कोशिश करना चाहती हूँ। आपने सरकारी दफ्तर विजिट किए होंगे एज अ सिटीजन, कोई लाइसेंस के लिए, कभी कोई राशन कार्ड, कोई आधार कार्ड, जो भी आजकल राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड, जो भी आपने एज अ सिटीजन विजिट किया गवर्नमेंट ऑफिस में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ याद है आपको कभी, या सरकारी ऑफिसर सरकारी दफ्तरों का जो इम्प्रेशन होता है सिटीजन का, आप अगर सर्विस में आ जाती हैं तो उसको कैसे बेहतर इम्प्रूव करेंगी, और कोई भी व्यक्ति जब किसी ऑफिस में जाता है उसका क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या होना चाहिए, आप उसमें क्या अंदर ला सकते हैं? सर जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, पहली बार मैंने कोई गवर्नमेंट ऑफिस 12th क्लास में विजिट किया था, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हो रहा था तो मुझे बैंक भी जाना पड़ रहा था स्कॉलरशिप के लिए, आपको अकाउंट खुलवाना। हमारे जो तहसील है वो गन्नौर है, तो आप एफिडेविट बनवाने के लिए तहसील में जाते थे। तब मैंने देखा था सब प्रोसेस काफ़ी हैजार्ड है, पेपर लेके आप इधर से उधर घूम रहे हो। लेकिन सर बाद में भी मैंने जैसे मैंने एमटेक गवर्नमेंट लोन से की हुई है, तो भी मैंने काफ़ी ऑफिस विजिट किए हैं बैंक से लेकर तहसील से लेकर। तो मुझे लगता है बहुत ड्रास्टिक चेंज है, अब डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और अगर मैं इसमें क्या चेंज लाने की कोशिश करूँगी, मुझे लगता है सर अभी भी लोग ना दफ्तर जाने से डरते हैं। अगर मैं अपने गांव की बात करूँ आपके सामने, तो अगर मैं कह दूँ कि किसी भी अपने चाचा या किसी भी ताऊ जी को कि ऑफिस चलते हैं, तो उनको लगता है क्या जरूरत है, यहीं से आप 200 रुपये इसको दे दो, गाँव में वहाँ पर पैसे मिल जाता है। तो मैं ये चेंज करना चाहूँगी सर, जो ऑफिसर्स से लोग डरते हैं, मुझे लगता है उनकी हम सर्विस करते हैं तो उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से लेकर और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर मैं काम करना चाहूँगी। आपने ये देखा कि विजिबल फेस ऑफ द गवर्नमेंट इज द पुलिस,
जब हम सड़क पे देखते हैं तो पटवारी नजर नहीं आता, जेई नजर नहीं आता, क्लर्क नजर नहीं आते, लेकिन पुलिस ऑफिशियल नजर आता है। जो लेडी पुलिस है वो अब काफी मात्रा में, काफी संख्या में हरियाणा सरकार ने भी डिप्लॉय किया है। पहले नहीं होते थे, 15-20 साल पहले लेडी पुलिस नजर नहीं आती, अब नजर आती है। लेडी पुलिस के आने से और महिलाओं का सरकार में ज्यादा शामिल होने से क्या फर्क पड़ा है, जो हम पहले बात कर रहे थे नजरिया जो ऑफिस का होता है, और खासतौर पर पुलिस में, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे चेंज हुआ है लेडीज में, और क्या अभी और करना बाकी है जिससे कि लेडी एम्प्लॉयज की वजह से लेडीज खासतौर पर जो सोसाइटी में, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सर, लेडीज का पुलिस में होने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, मैं अपना ही पर्सनल इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं अभी, मेरा शादी के बाद आना जाना रहता ही है बस स्टैंड पे, जैसे अगर मैं चंडीगढ़ बस स्टैंड पे विजिट करती हूँ और रात को मेरी बस है और वहाँ पे कोई लेडी ऑफिसर मुझे दिख जाते हैं तो मैं सिक्योर फील करती हूँ, बेटर मुझे लगता है, बात मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे वॉशरूम नहीं यूज़ करना है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे बैग को प्लीज़ देखिए, तो मुझे लगता था ऐसे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल किसी मेल स्टाफ से होना मुश्किल है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि गवर्नमेंट में लेडीज़ पढ़ रही हैं हर पोस्ट पे। और क्या करना चाहिए सर, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं लेडीज़ जैसे कि जहाँ भी मैं देखती हूँ सड़क पे भी वॉशरूम इतने अवेलेबल नहीं होते, महिला काम करती हैं कहीं पर तो अलग से वॉशरूम फैसिलिटी उनके लिए, जो भी जैसे बच्चों के लिए उनको रखने के लिए कोई भी किसी भी सर्विस में अगर लेडीज़ हैं सर, तो ये तो है कि उनकी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, तो हमें वो समझ के एक पूरा प्लान मुझे लगता है जो सोशल लेवल पे डेवलप करना होगा। अच्छी बात है। अब हम आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट एज अ होल। हरियाणा एक स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वुमेन इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर आप केरला देखें, साउथ की स्टेट्स देखें, वहाँ पे महिलाएं और आगे बढ़ के, हरियाणा, यूपी, राजस्थान खासतौर पर इन स्टेट्स में थोड़ा सा लेडी और भी हो सकती है, लेडीज़ का पोजीशन कम है। ऑन द होल एजुकेशन के ज़रिए, एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, सोशल चेंज के ज़रिए कैसे हम गर्ल्स को, वीमेन, यंग वीमेन को आगे ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, नॉट ओनली जो हमने बात की पुलिस वगैरह की वजह से, बट ऑन द होल एट ए मैक्रो लेवल। सर, ये क्वेश्चन काफ़ी मेरे पर्सनल है क्योंकि मैं इस पर बहुत काम करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने विलेज लेवल पे, क्योंकि डेवलपमेंट अगर विलेजेस में होगी तभी इम्पैक्ट सोसाइटी पर होगा, क्योंकि 65% पॉपुलेशन अभी भी विलेजेस में रहती है, तो मुझे लगता है अगर कोई लड़की विलेज में है और उसकी इम्पावरमेंट हमें करनी है तो सबसे पहले सर हमें एजुकेशन को बढ़ाना होगा। जैसे मुझे एक सही टाइम पर स्कीम मिली और मैं आज आपके सामने हूँ, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इम्पावरमेंट क्या ही हो सकती है। लेकिन इससे दूसरे फ्रंट भी हमें देखने होंगे, तो मुझे लगता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है गवर्नमेंट, इस पर और ज़्यादा हम बेटर ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पर काम कर सकते हैं विद बेटर इनपुट, ब्रांड बिल्डिंग और नेशनल टू इंटरनेशनल मार्केट इंटीग्रेशन विद ट्रेनिंग और स्किल। हम अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर में ना ही जॉब जनरेट होंगी, हर फील्ड में जॉब भी जनरेट होंगी, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सबसे ज़रूरी होती है सर एम्पावरमेंट के लिए। तो महिलाओं को हमें, मुझे लगता है, इस फील्ड में आगे लेकर आने की जरूरत है। स्पोर्ट्स का क्या रोल हो सकता है? हरियाणा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट है स्पोर्ट्स में, आपने पढ़ा भी होगा, ज़्यादा तैयारी भी की होगी इस क्वेश्चन के बारे में, आप खुद भी स्पोर्ट्स में अगर हैं उसके बारे में बताइए। तो स्पोर्ट्स का वुमेन एम्पावरमेंट में और क्या रोल हो सकता है, जितना अभी हो रहा है उससे ज़्यादा क्या हो सकता है देश में? सर बिल्कुल, आपने सही बात किया, हरियाणा स्पोर्ट्स में नंबर वन है, ये सब नहीं देखा है। तो स्पोर्ट्स में लड़कियाँ अभी आ रही हैं, शराबी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है और भी पोटेंशियल है, अभी काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कुछ ही फील्ड हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स में हरियाणा में लड़कियाँ आ रही हैं, वेट लिफ्टिंग से लेकर, रेसलिंग से लेकर, लेकिन डिफरेंट फील्ड भी हैं जहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रेनिंग फैसिलिटी और सिक्योरिटी पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे हमने जो नर्सरीज बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या गाँव लेवल पर भी स्टेडियम है, पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलर, उन पर काम नहीं किया जाता है। मुझे लगता है सर अगर इस फील्ड में काम किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, अच्छे कोच प्रोवाइड किया जाए, तो मुझे लगता है चेंज आ सकता है और लड़कियाँ हरियाणा में, क्योंकि स्पोर्ट कल्चर वो पहले से ही है सर, और ये पोटेंशियल हमने नेशनल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी देखी है, तो मुझे लगता है लड़कियाँ और भी आगे आ सकती हैं और काम कर सकती हैं।
मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपके बाद के लोग पूछेंगे, तो एक बात ये बताइए कि यूथ जो है इस वक्त इंडिया में ही मान लीजिए वो सोशल मीडिया की वजह से एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्रेशर में, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मार्क्स का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, तो उनको काउंसलिंग के जरिए, मोटिवेशन के जरिए उनको इंकरेज करके कैसे सोसाइटी या एजुकेशन सिस्टम या ऑफिसर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं यूथ को थोड़ा सा शांत करने में, उनका मनोबल बढ़ाने में? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं, हम जीने में ही प्लेटफॉर्म पर जीने में बिलीव करने लगे हैं, तो मुझे लगता है इसको ठीक करने के लिए सोसाइटी, पेरेंट्स से लेकर सर सोसाइटी एज अ होल, स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो फिर भी बड़े उस पर लेवल पे काम कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ग्राउंड पे जो काम कर सकते हैं वो पेरेंट्स हैं, तो मुझे लगता है स्कूल में रेगुलर ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, हमें डिफरेंट अपने जो ट्रेडिशनल फील्ड है उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन मेरी खूबी भी है सर, मुझे लगता है इससे आप एस्पिरेशन, अगर आप बड़े गोल को देखने लग जाते हैं बच्चों को सेट, इससे थोड़ा सेटल होने में मुझे लगता है बेटर रियलिटी में जीने में हेल्प मिलती है, तो अपने ट्रेडिशनल वेज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और ग्राउंड पर ट्रेनिंग, स्कूल पे टीचर जो रोल प्ले कर सकते हैं सर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जैसे कि रोल मॉडल, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे लगता है अगर मैं आसपास के अपने चार पांच जो भी मेरी पड़ोस में जो लड़कियाँ हैं वो मुझे देखकर मोटिवेट होंगी, और मुझे लगता है अगर मैं कुछ करती हूँ तो रोल मॉडल उनके सामने जाना ही चाहिए, ये इम्पैक्ट करता है कि हमें भी कुछ करना है, जैसे मैंने भी ऐसे देखा था तो मुझे भी ऐसे हुआ था सर। ठीक, तो नमिता हरियाणा की कोई भी तीन प्रॉब्लम्स मेरे को बताइए जो आपको लगता है कि हरियाणा इस टाइम फेस कर रहा है। सर मैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे प्रॉब्लम्स हरियाणा की देख सकती हूँ, अगर सबसे पहले मैं सोशल स्फीयर में बात करूँ तो लो चाइल्ड सेक्स रेशियो और जो है वो बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी सोसाइटी को, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर कर सामने आ रही है सर। अगर मैं इकोनॉमिक फील्ड पर देखती हूँ तो मुझे लगता है सर जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है जिसकी वजह से रूरल डिस्ट्रेस भी हो रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हरियाणा के सामने है, तो ये अगर मैं देखती हूँ। तीसरा सर अगर मैं देखती हूँ पॉलिटिकल स्फीयर पे, तो अगर मैं देखती हूँ तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड करने पे हमें और काम करने की जरूरत है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की। तो आपको लगता है कि हरियाणा में रीजनलिज्म है? सॉरी सर, रीजनलिज्म किस एस्पेक्ट में आप बात करें? पॉलिटिकल नॉर्थ साउथ हरियाणा की डिवीजन है? यस सर, हम डिफरेंट उसमें देखते हैं कि जो डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि हमारी जो हरियाणा का नॉर्थ जो हिस्सा है वो डेवलप ज़्यादा हुआ है कंपैरेटिवली साउथ, जैसे कि मेवात ये एरिया भी स्टैटिस्टिक्स में इतना फॉलो नहीं है। क्या लगता है आपको उसके पीछे क्या कारण है मेवात के इतना डेवलप होने? सर मैंने कोई पर्सनल विजिट तो नहीं किया, पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर मुझे जो लगता है सर ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट कम है सर, तो मुझे लगता है कि इन फील्ड्स में काम नहीं हुआ है, और डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रीज वगैरह वो हमने अभी वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया सर। हरियाणा का कुल एरिया कितना है? माफ कीजिए सर, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है पर मुझे अभी याद नहीं, पर मैं परसेंटेज में आपको बता सकती हूँ। कोई बात नहीं हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हरियाणा में परसेंटेज ऑफ व्हाट? पूरे इंडिया का सर 1.3% है। और जो है वो पॉपुलेशन हरियाणा की अराउंड 2.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो जो हार्ट ऑफ हरियाणा है वो किसको बोला जाता है? सर जींद डिस्ट्रिक्ट को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। ओके, अभी बजट रिलीज हुआ था, आपके टू मेजर हाइलाइट्स जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको लग रहा है कि हाइलाइट मानी जाएंगी इस ईयर के बजट? सर क्योंकि मेरा ऑप्शन एग्रीकल्चर है तो मैंने उस बजट के इस एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो मुझे लगता है जो दो स्कीम है पीएम परनाम जो कि अल्टरनेटिव बायो फर्टिलाइजर्स और काम करती है पेस्टिसाइड्स पर, मुझे लगता है बहुत रिवोल्यूशनरी स्कीम हो सकती है अगर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट की जाए। दूसरी सर पीएम मिष्टि स्कीम आई है जो कि पहली मुझे लगता है ऐसा प्रोजेक्ट है देश में जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल तीनों स्फीयर पर काम करता है,
कि आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, कि एक बीटी कॉटन को लेके हमने देखा कि इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एक फाइबर क्रॉप थी, पर अब बाकी जो जीएम क्रॉप्स हैं जैसे जीएम मस्टर्ड है ना या बीटी ब्रिंजर, उनमें हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्या मेजर रीजन है कि हम जीएम टेक्नोलॉजी को होल हार्टेडली नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? सर, बीटी कॉटन एक एग्रीकल्चर की फील्ड में रिवोल्यूशनरी रिसर्च थी, बाकी फ्यूचर इस पर डिपेंड करता था। लेकिन जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे आगे क्रॉप हमने ग्रो की है, एक स्टैग्नेशन आ गया सर, और डिफरेंट पेस्टिसाइड जो कि हमने बॉलवॉर्म के लिए तो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि बॉलवॉर्म अटैक नहीं होगा, लेकिन व्हाइट फ्लाई अटैक हमने देखा कि काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया। तो ये जो हमें लगा कि रिसर्च ड्राइव है, अभी हमें पूरा इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर को पढ़ना होगा, अभी थोड़ा रिसर्च पे काम करना होगा, इसलिए हमने और रिसर्च तो की बीटी कॉटन पे, बीटी मस्टर्ड हमने बनाई, बीटी ब्रिंजर बनाया। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट अभी श्योर नहीं है कि इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी आ रहा है कि सर बच्चे जल्दी मैच्योर हो गए एज से पहले हमने देखा, तो इसीलिए शायद अभी स्टेज है सर, बेटर रिसर्च के बाद ही हम इसे। और एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी भी यूज में रहती है, उसमें टूल्स का नाम थोड़ा आप शेयर बता सकते हैं कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं जीन एडिटिंग में, क्योंकि जीन एडिटिंग से भी क्रॉप्स अब इस टाइम पे हम सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर की जाए। सर, जो मैं भी याद कर पा रही हूँ, क्रिस्प और कैस नाइन। हाँ, क्रिस्प और कैस नाइन, कौन से ऑर्गेनिज्म से ऐसे इसको आइसोलेट किया गया, क्योंकि पिछले साल नोबेल प्राइज दो वुमेन को इसी उपलब्धि के लिए दिया गया। आप अपनी एक मेजर स्ट्रेंथ और एक वीकनेस जो आपको लगे एज इंडिविजुअल बोर्ड के साथ शेयर करना चाहें। सर, मेरी मुझे लगता है बेस्ट स्ट्रेंथ जो मैंने अभी रिसेंट टाइम में देखी कि मैं रेजिलिएंट हूं, और चाहे कैसी सिचुएशन आती है मैं जल्दी उसको डील करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हूं। और वीकनेस? वीकनेस सर मैं कई बार ज़्यादा काम करती रहती हूँ और अपनी हेल्थ का इम्पैक्ट मुझे देख नहीं पाती हूँ। जैसे कि मुझे रनिंग और एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, पर मैं इसके लिए क्योंकि पढ़ने में काफ़ी बिजी रहती हूँ, शादीशुदा भी हूँ, तो इसके लिए एग्जैक्ट टाइम निकाल नहीं पाती, जो मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में करना चाहिए। आप एचसीएस चेंज करना चाहती हैं, कि उसमें जैसे आपने कहा कि कई जगह आप जाती हैं तो सारी चीज़ें आपको सही नहीं मिलती, राइट? तो एज एन एचसीएस ऑफिसर आप कौन सी ऐसी चीज़ लाना चाहेंगी, लाइक विच विल इम्प्रूव द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द पीपल एंड हाउ विल द कम्युनिकेशन ऑफ द पीपल? जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपके पास आऊँ, आप मेरे को सही तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाओ और मैं किसी माई वर्क डज नॉट गेट डन, हाउ विल यू ट्राई टू, आप कैसे इम्प्रूव करना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है जो कम्युनिकेशन गैप है इसके लिए तो काम हमारे टीचर्स कर ही रहे हैं, अगर हम उनको ही ट्रेन करें तो अलग इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है इसके लिए तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मे बी शायद सर मैं नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन। नहीं, ठीक है, यू आर राइट। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप एज एन ऑफिसर हैं, आप ऑफिसर बन लीजिए, एस सी एस में जाएंगे तो कई जगह आपको ऐसे लगेगा कि पीपल आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही ढंग से, तो आप किस तरीके से उनको चेंज करेंगे? अपने स्टाफ को, अपने स्टाफ को कैसे चेंज करेंगी, आपके बाकी कलीग्स को कैसे करेंगे कि आप चेंज करेंगे? सर, किसी भी लीडर की सबसे पहली क्वालिटी तो मुझे लगता है ये है कि ओपन डोर पॉलिसी उसको रखनी चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, आप लोग आपसे आके डिस्कस कर सके अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो एज अ ह्यूमन करता है, हम उन्हें एज अ मशीन देखना, क्योंकि वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है, तो हमने जो ये ह्यूमन एस्पेक्ट है ये कहीं खो दिया है। तो मुझे लगता है मैं सबसे पहले इस पर काम करूँगी और मैं एश्योरेंस दूँगी अपने स्टाफ को कि वो आके मुझसे कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगी तो उससे हाफ प्रॉब्लम मुझे लगता है सॉल्व हो जाती है सर। और दूसरी सर, एक विजन होगा मेरा और उस विजन में मेरी पूरी टीम होगी, मैं अकेला विजन नहीं होगा और मैं उनसे ये कम्युनिकेट करूँगी बहुत अच्छे से कि हम एक विजन पे काम कर रहे हैं जो इम्पैक्ट लाएगा सोसाइटी में ग्रास रूट लेवल पर, इसीलिए हम
यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की मोटिवेशन या रियल एक्चुअली रियल बात हम करेंगे तो चेंज आ सकता है। So, one last question, no, it takes both of them. One last question is meditation, आपने बोला। Yes. तो आप शेयर करना चाहेंगे या ये पर्सनल है कि कौन सी टेक्निक या बात आप फॉलो करते हैं और आपको क्या लगता है किस एज में मेडिटेशन शुरू होना चाहिए? सर कोई पर्सनल इसमें बात नहीं है क्योंकि मैं विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो करती हूँ जो हमारी एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक भी है सर। और मेरी पर्सनैलिटी में जो मुझे चेंज लगता है आप बेटर सेटल हो जाते हो सर, आप तटस्थ चीज़ों को देख सकते हो, उनके पॉजिटिव नेगेटिव एनालाइज कर सकते हो बिना इमोशंस के बढ़े, और यही रीज़न है आप बेटर परफॉर्म भी कर पाते हो। अगर आप दोनों किसी चीज़ एस्पेक्ट किसी प्रॉब्लम के देख पाते हो तो आपका सोल्यूशन भी देख पाते हो। और सर मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत अर्ली स्टेज पर हमें स्टार्ट करना चाहिए, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हम देख रहे हैं सोसाइटी में बढ़ रही है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सर, प्रेशर ले नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जितने अर्ली स्टार्ट किया जा सके सर उतनी अर्ली करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड इंटरव्यू, हम आपको फीडबैक देंगे।